फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक रेड कलर का सूट शेयर कर रही हूँ जो मैंने लाइमलाइट से लिया था, और आज मैं आपके साथ उसकी डिटेलिंग और बताऊंगी कि ये कहाँ से लिया था और क्या था, कैसे डिज़ाइन करवाया। ये इसके साथ बैच था ऑलरेडी ही कढ़ाई वाला, और फिर मैंने वो इसके दामन में अटैच करवा लिया। फिर मैंने ऑर्गेन्जा ली और उस पर मैंने ग्रीन कलर दी, ऐसे लाइनिंग लाइन लगवा ली सिलाई मशीन से ही। और फिर मैंने इसके साथ ये समोसा और दो लूप्स और दो समोसे की डिज़ाइनिंग करवाई। और ये देखिए, इसकी बैक साइड पे ऐसे पट्टी लगवाई ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। और इसके बाजुओं पे भी ऑलरेडी ही ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी थी और ये पैच था लेकिन। और ये इसके जहाँ पे ये देखिए सिलाई लगी हुई है, ये वाला एरिया जो था ये सिंपल था, यहाँ पे भी मैंने फिर सिलाई लगवा ली ग्रीन कलर की। और ये देखिए कैसे उसके साथ मैच हो गई, और सूट को और बाजू का एक डिज़ाइन कितना प्यारा बन गया। और ये देखिए बाजू की फोटो, बाजू का डिज़ाइन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो था गले का पैच, ये एक्स्ट्रा पैच था बाजू के लिए, लेकिन मैंने इसको गले पर अटैच करवा लिया ताकि गले की उंगली अच्छी सी बन जाए और मेरा सूट प्यारा सा नज़र आए, पहना हुआ अच्छा सा एक अच्छी सी इसकी लुक बन जाए। ये देखिए इसका कितना प्यारा गला बना हुआ है और इसका पैच कितना अच्छे से अटैच किया हुआ है। और ये टेलर ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा मेरा सूट स्टिच किया है। और इसकी बैक पे मैंने ये फ्रंट का थोड़ा सा पैच लगवाया, फिर उसके ऊपर मैंने भी वैसे ही ऑर्गेन्जा की पट्टी लेके और उसके ऊपर लाइनिंग करवाई। बैक पे भी मैंने ऐसे पट्टी लगवाई, फिर मैंने इसके ये जो मैंने इसके साथ ये अंडर स्लिप अटैच करवाई क्योंकि शर्ट की जो थी कढ़ाई वो सेल्फ कढ़ाई थी और चिकनकारी स्टाइल में थी, तो फिर मैंने इसलिए इसके नीचे अंडर स्लिप लगवा ली। ये देखें बैक का डिज़ाइन। और ये है इसके साथ दुपट्टा, दुपट्टे पे मैंने शटल लैस ली जो मैंने चारों साइडों पे लगवाई ताकि बच्चे दुपट्टे की जो लुक है वो बहुत अच्छी बने। और इसके नीचे छोटी सी पट्टी लगवाई ताकि बड़ी से वो दुपट्टा हैवी हैवी ना हो जाए, क्योंकि लैस जो थी वो थोड़ी बड़ी थी और वो दुपट्टे को थोड़ा हैवी कर रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ छोटी सी पट्टी करवा के ताकि उसकी अच्छी सी लुक आ जाए। और ये मेरा सिंपल सा ट्राउज़र है जो मैंने फिर सोचा कि सूट पे इतना अच्छा हैवी काम करवाया है तो फिर मैं ट्राउज़र जो है वो सिंपल रहने देती हूँ। और सिंपल ट्राउज़र जो है वो मैंने वन साइडेड पैंट स्टाइल में स्टिच करवाया था। ये देखें पैंट स्टाइल का सिंपल ट्राउज़र है। और ये मेरे सूट की फ़ाइनल लुक, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और इसके साथ ये मेरा मैचिंग जूता जो मुझे बहुत, इससे बहुत सूट की एलिगेंट लुक आती है। ये देखें छोटी सी हील के साथ बहुत प्यारा शूज़ है। और ये है मेरा सेकंड सूट ग्रीन कलर का, ये मैंने सिंपल प्लेन सूट लेके उसके ऊपर ख़ुद से डिज़ाइनिंग करवाई है। ये सारी लेसिस वगैरह मैंने खुद से ली हैं और ख़ुद से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवाई है। और मैंने अपने टेलर को सिर्फ एक तस्वीर से और आइडिया से समझा दिया था कि ये मैंने ऐसे बनाना है, फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लेसिस लेके आए। फिर ये देखे मैंने गोटा किनारे में ऐसे लेसिस लेके आई, फिर इसके दो प्लेयर्स और एक लैस, फिर दो प्लेयर्स और एक लैस, ऐसे मैंने इसको डिज़ाइन बनवाया। और इसके जो कुर्ता स्टाइल है वहाँ पे मैंने वो डोरी लगवा ली, किंगरी स्टाइल की डोरी लगवा ली। और ये इसके बाजू हैं जिनको मैंने ऐसे एंड में लूप्स लगवा लिए। और इस पर भी सेम शर्ट की तरह दो स्लीट्स। और ये देखें मेरा शर्ट का दामन फ्रंट, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मेरी दर्जी ने बहुत इस पर मेहनत की है। इसकी बैक मैंने सिंपल रखी है। ये इसके साथ दुपट्टा है जो मैंने इसके साथ मैच किया क्योंकि ये सूट मैंने ऐसे सिंपल लेके स्टिच करवाया था, डिज़ाइनिंग करवाई थी, फिर इसके साथ दुपट्टा मैंने मैच कर लिया। इसका ट्राउज़र भी सिंपल है और वन साइडेड है। और ये मेरे सूट की फाइनल लुक जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है मेरा शूज़ इस सूट के साथ, लेकिन इस शूज़ के साथ एक मसला हो गया, ये शूज़ मेरा कबर्ड में पड़ा रहा तो ये इसको पता नहीं नमी की वजह से ये ऐसे ख़राब हो गया। अगर मेरा किसी YouTube फैमिली को पता हो, किसी कोई मुझे बताए कि अब इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मुझे इनबॉक्स कर दें ताकि मैं फिर वैसे ही इसको कर लूँ। लेकिन मेरा बहुत दिल दुखा देख के ये कि मेरा इतना प्यारा शूज़ और इतना एक्सपेंसिव शूज़ जो था वो ख़राब हो गया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरा चैनल देखने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।